1950 में निरूपा रॉय आई, जिनकी पहली फिल्म हर हर महादेव थी। उसके बाद 1950 में ही नूतन आई, जिनकी पहली फिल्म हमारी बेटी थी। उसके बाद 1951 में गीता बाली आई, जिनकी पहली फिल्म बाजी थी। उसके बाद 1951 में कल्पना कार्तिक आई, जिनकी पहली फिल्म बाजी थी। उसके बाद 1951 में वैजंत माला आई, जिनकी पहली फिल्म बाहर थी। उसके बाद 1951 में बीना रॉय आई, जिनकी पहली फिल्म काली घटा थी। उसके बाद 1952 में नादिरा आई, जिनकी पहली फिल्म आग थी। उसके बाद 1953 में संध्या आई, जिनकी पहली फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता थी। उसके बाद 1954 में श्यामा आई, जिनकी पहली फिल्म आर पार थी। उसके बाद 1954 में ही अमिता आई, जिनकी पहली फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु थी। उसके बाद 1954 में ही कन्नम्बा आई, जिनकी पहली फिल्म मनोहर थी। उसके बाद 1954 में ही पासु पुलेटी आई, जिनकी पहली फिल्म मनोहर थी। उसके बाद 1955 में सुचित्रा सेन आई, जिनकी पहली फिल्म देवदास थी। उसके बाद 1956 में वहीदा रहमान आई, जिनकी पहली फिल्म सीआईडी थी। उसके बाद 1956 में ही हेलन आई, जिनकी पहली फिल्म हलाकु थी। उसके बाद 1956 में ही अंजलि देवी आई, जिनकी पहली फिल्म देवत्ता थी। उसके बाद 1957 में माला सिन्हा आई, जिनकी पहली फिल्म प्यासा थी। उसके बाद 1958 में पद्मनी आई, जिनकी पहली फिल्म रागनी थी। उसके बाद 1959 में मीनू मुमताज आई, जिनकी पहली फिल्म ब्लैक कैट थी। उसके बाद 1959 में ही आशा पारेकर आई, जिनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो। उसके बाद 1959 में ही सरोजा देवी आई, जिनकी पहली फिल्म पैगाम आई थी। उसके बाद 1959 में ही नंदा आई, जिनकी पहली फिल्म छोटी बहन आई थी।